नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद होगी शुरू, 1 अक्टूबर से होगी खरीद शुरू। फसल खरीद पर सीएम का बयान, सीएम ने कहा किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, राज्य सरकार की प्राथमिकता। आला अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, दिए निर्देश, ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी, वही 1 अक्टूबर से खरीद शुरू की जाएगी। तो साथ ही आपको बता दें कि फसल खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसल की खरीद, ये बड़ी और अहम जानकारी। वही फसल खरीद पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तो हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी, वहीं सीएम मनोहर लाल ने खरीफ फसल की खरीद को लेकर बयान भी दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, राज्य सरकार की यही प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। तो खरीफ फसलों की खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने भी बयान देते हुए कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। तो ये आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हरियाणा में अब खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर, दिल्ली से बड़ी खबर। एनआईए के पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी, टेरर फंडिंग और कैंप चलाने मामले में हुई कार्रवाई। तो ईडी, एनआईए और पुलिस ने कुल 15 राज्यों में रेड मारी है। पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सभी 106 को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम की गिरफ्तारी भी हुई है। 18 लोगों को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां 26 सितंबर तक उनको रिमांड पर भी भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर, पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सभी 106 लोग अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं और एनआईए ने पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। तो वही टेरर फंडिंग और कैंप चलाने मामले में ये कार्रवाई की गई है। जो आपको बता दें कि 18 लोगों को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है और 26 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, एनआईए ने पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी, टेरर फंडिंग और कैंप चलाने मामले में कार्रवाई की गई, जहां पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर। एनआईए ने पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि 18 लोगों को स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनको 26 सितंबर तक रिमांड पर भी भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर, 18 लोगों को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 26 सितंबर तक उनको रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी खबर दिल्ली से आई है, जहां नेशनल गेम्स एथलेटिक्स में हरियाणा के 69 खिलाड़ी, वही करनाल के चुने गए 3 एथलीट। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी प्रतियोगिता, गुजरात में शुरू होगी प्रतियोगिता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी प्रतियोगिता और ये प्रतियोगिता गुजरात में आयोजित की जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, नेशनल गेम्स एथलेटिक्स में हरियाणा के 69 खिलाड़ी चुने गए हैं। तो वही करनाल के भी 3 एथलीट इसमें चुने गए हैं, जहां 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक गुजरात में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी, नेशनल गेम्स एथलेटिक्स में
हरियाणा के खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो वहीं करनाल के भी 3 एथलीट चुने गए हैं। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और गुजरात में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही। तो यहां आपको बता दें कि हरियाणा के भी खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे, जहां 69 एथलीट्स का इसमें चयन किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, करनाल के भी चुने गए हैं 3 एथलीट। तो 3 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी प्रतियोगिता, गुजरात में शुरू होगी प्रतियोगिता। नेशनल गेम्स एथलेटिक्स में हरियाणा के भी 69 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि करनाल के भी 3 एथलीट इसमें चुने गए हैं। बड़ी खबर करनाल से आ रही है। फसल पंजीकरण के लिए दोबारा खुला पोर्टल, 25 सितंबर तक मिला पंजीकरण का मौका। 5 लाख किसान करवा चुके रजिस्ट्रेशन, 9,000 रजिस्टर्ड होने बाकी। तो आपको बता दें कि अब 25 सितंबर तक पंजीकरण का मौका दिया गया है और 5 लाख किसान अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, तो 9,000 रजिस्टर्ड होने बाकी हैं। करनाल से बड़ी खबर, फसल पंजीकरण के लिए दोबारा खुला पोर्टल। करनाल से ये बड़ी खबर, 25 सितंबर तक मिला पंजीकरण का मौका। 5 लाख किसान करवा चुके रजिस्ट्रेशन और 9,000 रजिस्टर्ड होने अभी भी बाकी हैं। ये बड़ी खबर करनाल से। गुरुग्राम में बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारी बारिश के पूर्व अनुमान को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि कार्यरत कर्मचारियों को शुक्रवार को घर से काम करने की अनुमति दे, ताकि बारिश की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से बचा जा सके और सड़क ड्रेन बनने वाली एजेंसियों उनकी मरम्मत और रख रखाव का कार्य आसानी से कर सके। तो गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रही, जहां वर्क फ्रॉम होम का दौर अब शुरू हो चुका है। गुरुग्राम प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की और जिसमें कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है, जिससे कि बारिश की वजह से घंटों तक लगे लंबे जाम पर काबू किया जा सके। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे।